हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो एफएक्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी लेक्चर आ चुका है, ये देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरा अबाउट अस वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये ज़रूर देख लें। इससे आपको जो भी सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूँ उसके बारे में पता चलेगा कि उसमें आप क्या क्या बना सकते हैं और क्या क्या उससे बेनिफिट है आपको। और इतना लेक्चर हो जाने की वजह से अगर आप लोग को लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लेलिस्ट में जाए, यहाँ देख सकते हैं 4 सॉफ्टवेयर का लेक्चर आ चुका है, 2 सॉफ्टवेयर और आने वाला है, और यहाँ पे टोटल आपको 20 सॉफ्टवेयर सीखने के लिए मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिनेमा 4D का लेक्चर नंबर 49 है। 48 में हम लास्ट में ये देखे थे इतना बना के, आज हम इसके आगे का बनाएंगे। पहले तो मैं फटाफट इसका जो टेक्सचरिंग बाकी है ये कर लेता हूँ, तो ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे आता हूँ और ऐसा ये सबको पकड़ लेता हूँ। दोस्तों जब एक बार इतना सेलेक्ट हो जाए तो आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। शिफ्ट दबा के करोगे तो आपका फटाफट काम आसान हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो कंट्रोल जेड मार के पीछे आ जाना। ठीक है, ये देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस ये वाला जो पहले वाला टेक्सचर था इससे थोड़ा सा मैं डार्क टेक्सचर बनाऊंगा न्यू मटेरियल में। यहाँ पे गया और एकदम ही डार्क ले लेता हूँ, क्योंकि ये लाइट है उससे डार्क है, उससे डार्क ही होना चाहिए। ठीक है, मैं इतना डार्क लेता हूँ और इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे जाके रेंडर में देख सकते हैं ये हो गया है। ये देखिए बहुत सारा ऐसा अजीब सा दिख रहा है ये कट, तो क्योंकि ये लो पॉली में बना हुआ है इसलिए दिख रहा है। जब आपको हाई पॉली बताऊंगा तब ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा ही स्मूथ दिखेगा वो। थोड़ा सा चलो यहाँ से बढ़ा के देखता हूँ मैं, 3 या चलो 4 कर देता हूँ। ये देखिए वो जो था मैंने उसका सेगमेंट्स बढ़ा दिया सब डिविजन सरफेस का, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो अभी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा पीसी हैंग होने लगता है, इस वजह से मैं लो पॉली में ही बना रहा था, लेकिन और भी और इसमें पॉली ऐड होगा तो और भी हैंग हो जाएगा आप लोग का पीसी। तो अभी लो पॉली पे ही बनाइए और आप लोग को ज़्यादा काम करना पड़ेगा हाई पॉली में, तो ऐसे ही बना के भी काम चलाइए, क्योंकि अभी मॉडलिंग तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत सारा मॉडलिंग का टेक्सचर आना बाकी है। ठीक है, तो ये हो गया और ये मुझे लगता है कि थोड़ा मेरा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से जाके ऑब्जेक्ट करूँगा और थोड़ा सा पतला करूँगा और इधर से भी थोड़ा छोटा कर लूँगा। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ से एक क्यूब ले लूँगा और क्यूब को क्या करूँगा, मैं एकदम ही छोटा सा रखूँगा इस तरीके से और इसको लंबा सा रखूँगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा ये बनाया मैंने, इसको भी पकड़ लेता हूँ। ठीक है, इसको पतला कर लेता हूँ। ठीक है, अब पहले मैं इसको कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दूसरा कॉपी। पर ये दोनों के बीच में जैसा ये दिख रहा है ये दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा यहाँ से देखोगे ना तो आपका प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ से ये तीनों दोनों को पकड़ता हूँ और यहाँ से इसको पकड़ता हूँ तीनों को, और मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं रेंडर में। ठीक है, अब ये वाले को मैं क्या करूँगा, एक कॉपी बनाऊँगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसको एकदम ही पतला करूँगा और ले लूँगा यहाँ बाहर। ठीक है,
बाल लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बड़ा करूँगा, ठीक है। ये यहाँ पे बस एकदम मतलब पॉली के अंदर नहीं घुसना चाहिए, वो इतना रखो कि वो अच्छा लगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो रहता है ये थोड़ा सा आगे रहता है, ये मैं इसको रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये कंट्रोल तीनों को शिफ्ट पकड़ के कंट्रोल सी कंट्रोल भी मारूंगा और थोड़ा सा मैं ऊपर ले लूँगा, इसको रोटेट करूँगा, ठीक है। ये यहाँ से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये इस तरीके से ये आएगा पूरा 90 डिग्री में, नहीं थोड़ा सा टिल्ट रहेगा वो, एकदम सीधा नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट करूँगा। ये देखिए एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसी वजह से मैं इसका पॉली जो है बढ़ा नहीं रहा था कि वो ब्लैक ब्लैक दिखेगा तो मज़ा नहीं आ रहा है वो काम करने में। ये देखिए यही चीज़ मैं बोल रहा था कि गैपिंग नहीं होना चाहिए, गैपिंग हो गया तो ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ये पकड़ के इसको इसके अंदर लूँगा और इसको ऐसा करूँगा, उसके बाद एक एक को चेक करना पड़ेगा बार बार मुझे, ठीक है अभी सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा इसको और इसको यहाँ पे लूँगा और तीनों को पकड़ के मैं नीचे लूँगा, नीचे लूँगा, ठीक है। नीचे लेने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, छोटा करने के बाद मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ। अब रेंडर में देखता हूँ तो हमारा ये परफेक्ट दिख रहा है, पर हम इसको थोड़ा सा हमें और टिल्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही खड़ा दिख रहा है, जबकि सोफे का एकदम खड़ा नहीं रहता, थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ रहता है, एकदम ही ब्लैक दिख रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा है काम करने में, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं ऐसा टिल्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रेंडर में देखता हूँ तो ठीक दिख रहा है, पर ये तीनों को मैं थोड़ा सा आगे लेना चाहूँ तो इस तरीके से मैं आगे ले लेता हूँ। ये हमें सेट करके थोड़ा सा देखना पड़ता है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब बारी है ये दोनों की टेक्सचरिंग की, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा टेक्सचर इसके ऊपर चढ़ाया जाए ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे हमें। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो हमारा बीच वाला था तो बीच वाले को मैं इस पे चढ़ा दिया, ये जो है इसको मैं सेगमेंट्स चलो 50, 50 और 50 का सेगमेंट डाल देता हूँ ताकि वो मेरा अच्छा लगे, क्योंकि सेगमेंट डालने की वजह से थोड़ा सा वो स्मूथ दिखने लगता है, इस वजह से मैं सेगमेंट डाल दिया उसमें क्योंकि एकदम ही कट दिख रहा था, ठीक है। अभी थोड़ा सही दिख रहा है। अब बचा है ये वाला, इसके लिए मैं कुछ अलग टेक्सचर बना लेता हूँ, इसी में से बनाता हूँ क्योंकि मिलता जुलता कलर रहेगा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये आ गया इसके ऊपर, तो अब मैं इसका रेंडर चेक करता हूँ कि किस तरीके से वो दिख रहा है। तो देखिए ये लो पॉली का है और काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है वो, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ और यहाँ से एक फिजिकल स्काई लगाता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ। तो ये फिजिकल स्काई लगाने की वजह से, लाइट की वजह से इस तरीके से दिख रहा है, तो आप चाहिए तो इसको हटा दीजिएगा अगर नहीं ज़रूरत है तो। इस पे चलिए मैं एक स्काई लगा देता हूँ, थोड़ा सा जो पीछे ब्लैक ना आए इस वजह से मैं स्काई लगा दिया। अब रेंडर देखता हूँ तो ठीक है, पहले से तो बेटर दिख रहा है, पर ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो मैंने आप लोग को बताया ये मैंने लोग पॉली बताया हूँ, सोफ़ा और बताऊँगा मैं दो तीन अलग अलग तरीके से बनता है, ये एकदम ही बेसिक था इसलिए मैंने बता दिया मौला
ये आप लोग जान लीजिएगा। और इसमें देखिए एक चीज़ क्या हुआ है कि जो हमारा ये मैंने डाला था ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ तो हमारा आया ही नहीं है सब में। इसको कॉपी करके ऐसा रख देना जहाँ भी आपको चाहिए रहेगा। अभी तो इसका अलग सब मैंने ग्रुप मार दिया तो अलग अलग नहीं हो रहा है वो, इस वजह से थोड़ा सा पोजीशन में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। पर रास्ता तो आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ कैसे करना है, तो मुझे लगता है कि आप ये तो कर ही सकते हो। और अगर आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 1 से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर कोई नया है और मेरा लेक्चर देख रहा है तो मैं उसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि मेरा लेक्चर नंबर 1 से देखे, तभी उसे पूरा सॉफ्टवेयर सीखने में मज़ा आएगा और जो मैं बताऊँगा वो कर सकता है, नहीं तो वो आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आया होगा, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए ये ट्यूटोरियल आप लोग को कैसे लगा और आप लोग क्या नहीं कर पा रहे वो भी बताइए, मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोग की हेल्प करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।